तो नेक्स्ट पे थे हम लोग फाइनाइट लेंथ के कारण। पहला स्टार्टिंग जो किए थे हम लोग, जो भी रॉड कंसीडर किए थे उसी के अलोंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब क्या हम करेंगे, रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस। फर्स्ट हम लोग जो स्टार्टिंग जब किए थे तो कोई भी रॉड कंसीडर किए थे, रॉड के अलोंग ही किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे अलोंग द एक्सिस। अब क्या कर रहे हैं, रॉड है, दिस इज योर रॉड फाइनाइट लेंथ, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बोर्ड के लिए ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी लंबा एक कट आएगा श्योर शॉर्ट, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोग क्या करें, कोई जैसे ये रॉड कंसिडर किए और इसके इससे किसी भी बी डिस्टेंस पर ए डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये नहीं है कि मिडिल में ही किसी भी पॉइंट से यहाँ से ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेंथ दिया हुआ है रॉड का एल है, कैपिटल एल, लेंथ ऑफ द रॉड कैपिटल एल, ठीक है, और चार्ज इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यदि निगेटिव होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन। इसमें प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर लैम्डा क्या हो जाएगा इस केस के लिए, क्यू अपॉन एल, लैम्डा क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एल, लैम्डा स्पेसिफाई कर दिए क्यू अपॉन एल। अब क्या है भाई, कंटिन्यूअस बॉडी है तो पॉइंट मास तो है नहीं, तो कहीं जिस पॉइंट से निकालना हो उसको डी एक्स पार्ट या डी एल पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस पॉइंट से एल स्मॉल एल डिस्टेंस पर हम डी एल कंसिडर किए, डी एल पार्ट, ठीक, और इसके कारण हमने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की, ये हो गया डी ई, ये क्या हो गया डी ई, और मान लेते ये एंगल बनाया फाई फाई। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या ध्यान रखना है कि सारा चीज हम एंगल के टर्म में वेरिएबल को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो वेरिएबल क्या क्या है, लेंथ भी वेरिएबल है, एल भी, जैसे जैसे एल ऊपर जाएगा वैसे वैसे रॉड कंप्लीट होगा, नीचे जैसे जैसे जाएगा तो एक एल वेरिएबल हो गया, और दूसरा फाई यानी फाई भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो सारे वेरिएबल को मेरा कोशिश क्या है एंगल के टर्म में हम लेके आएंगे। इसके लिए क्या किया हमने, इस पॉइंट पी से जैसे इसका एक एंड पॉइंट है, इसको ठीक, तो ये इससे मान लेते हैं इसको थीटा वन एंगल है फॉर एग्जाम्पल, और उसी तरह से दूसरा एंड से ये यहां से ध्यान देने का है, ये पॉइंट ये एपी यदि लिखते हैं तो एपी से थीटा टू, एपी से थीटा टू, इससे क्या होगा, अब देखो फाई फाई वैल्यू फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू पूरा रॉड कवर, फाई फाई ये देखो, ये जैसे थीटा वन से स्टार्ट किए ये चलो जैसे जैसे आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए सब रॉड कवर होते चला गया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और इस तरह से पूरा कवर हो गया। तो थीटा वन और थीटा टू एक काम करें, इसको दोनों को अपोजिट डायरेक्शन, ए एक को इधर ले लेते क्लॉकवाइज, दूसरा को एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर बढ़े तो इससे ऊपर का पोर्शन कवर और इससे नीचे गए तो ये नीचे वाला पोर्शन कवर। तो यहाँ ध्यान देना है कि थीटा वन और थीटा टू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तभी कवर अप होगा, ठीक। अच्छा अब चले इसका डेरिवेशन स्टार्ट करें हम लोग, ये तो हो गया अभी डायग्राम से हम लोग अपना बेस तैयार किए, क्या किए रॉड कंसीडर किए, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड, कोई भी रॉड दिया हुआ फाइनाइट लेंथ का, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं भी पूछ दे कि आर डिस्टेंस है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी परपेंडिकुलर रॉड क्या
आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर या डी डिस्टेंस पर या ए डिस्टेंस जो भी दिया है क्या फाइंड कर लेते हो। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पहले वाला सिर्फ हम लोग एक्सिस के अलोंग देखे थे, रॉड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, और यहाँ पर रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लो तब स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। थीटा वन थीटा टू क्यों ले रहे हैं, टू वेरिएबल है एल एंड फाइव, तो इसीलिए सारे को एक थीटा को वेरिएबल मानते हुए पूरा रॉड हम कवर अप कर लेंगे। यहाँ से ये ऊपर बाहर है ना, ये यहाँ तक थीटा टू, ये पॉइंट जैसे नाम दे देते हैं बी सी, ये पी, तो ए पी से सी पी तक, ए पी से सी पी, और इसी तरह से थीटा वन आपका ए पी से पी बी, ए पी से पी बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये है पॉइंट, इसी तरह है ना, ये है ऐसे ऐसे, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है ऐसे कवर अप, दूसरा इधर कवर अप, दोनों ऊपर नीचे सारा कवर हो गया। चलो ये डी वहां देख लिए, तो इस डीएल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर डी, आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। ये ध्यान से देखो, ये क्या है बनाया है, फाई, फाई बनाया है ना, तो यहाँ भी वर्टिकल में ये इससे फाई बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से बनाया था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से, ये कंपोनेंट डी ई कॉस फाई, और ये कंपोनेंट डी ई साइन फाई, डी ई साइन फाई, डी ई DE cos phi and DE sin phi, DE cos phi and DE sin phi, ठीक है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक तो लिए नहीं है कि कोई कंपोनेंट टूटेगा, कहीं भी कंपोनेंट टूटने का चांसेस कब है, जब सिर्फ सिमेट्रिक हो, या मिडिल पॉइंट के अबाउट लेते तब होता कि वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट उड़ गया। तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ई एक्स कॉम्पोनेंट, ई एक्स को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू डी रॉड, ई एक्स को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू डी रॉड, वी कैन बुक में एनसीईआरटी में इस तरह से भी दिया है, ई परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ई वाई क्या हो गया, पैरेलल टू लाइन, तो ई एक्स ई परपेंडिकुलर इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाइव, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाइव, और ई वाई कंपोनेंट जो है उसको यहाँ पैरेलल से शो कर दिए, पैरेलल टू डी लाइन रॉड, दैट विल बी इक्वल टू डी ई साइन फाइव, डी ई साइन फाइव, राइट बेटे। अब यहाँ पर हमें डी निकालना होगा, डी निकालने के लिए तो अपना एक्सपर्ट हो चुके हैं, व्हाट इज डी, डी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन, ये मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, डी क्यू को कन्वर्ट करें डीएल के फॉर्म में, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, के लैम्डा डीएल आर स्क्वायर,
ठीक है बेटे। अब सारा काम क्या करना है कि हमें फाई के टर्म में लेके आना है, वेरिएबल फाई है यहाँ पर, जो लेंथ वाला भी वेरिएबल है, डीएल भी है, उसको सारे को हम फाई के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, फाई के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो तो बेटे, वी कैन राइट कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर, ये एंगल ए पी, ये मान लो कॉस फाई क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट यू आर गेटिंग हियर आर, आर यहां से क्या मिल जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई, ए अपॉन कॉस फाई, ठीक है बेटे। उसको वहां पुट करते हैं पहले आर के जगह पर, टारगेट क्या है, सारे चीज को फाई के टर्म में लाना है, सारे चीज को फाई के टर्म में हमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, एवरी सारे चीज को। तो ये हो गया डी, यहाँ पर क्या हो गया, इसको मिटा दो यहाँ साइड में, इसको नीचे इधर लिख देते हैं, तो कॉस फाई इक्वल टू है अपना ए अपॉन आर, यहाँ से आर क्या हो गया, ए अपॉन कॉस फाई को पहले के लैम्डा डी एल ए स्क्वायर ऊपर चला गया कॉस फाई, ठीक। अब डीएल वेरिएबल को भी फाई के टर्म में लेके आना होगा, अच्छा तो डीएल को लेके आने के लिए डीएल क्या है, एल वेरिएबल है, तो एल और आर में रिलेशन देख लें, एल और आर यार इससे अच्छा ये कांस्टेंट टर्म, आर तो वेरिएबल हो जाएगा ना, ए कांस्टेंट है, तो एल और ए में टैन फाई वाला रिलेशन एक कांस्टेंट पड़ा रहेगा, तो वी कैन राइट हियर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन फाई इक्वल टू एल अपॉन ए, हमें डीएल निकालना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, बोथ साइड डिफरेंशिएट, एल इक्वल टू क्या है, ए टैन फाई, एल को हम डीएल लिख सकते हैं, ए को टैन फाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई, टैन फाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई, ये हो गया यहाँ सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, ठीक है। इसको यहाँ पुट करें डीएल की जगह पर, क्या मिलेगा अपना, के लैम्डा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और डीएल क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये देखो सेक स्क्वायर को हम लिख सकते वन बटे कॉस स्क्वायर फाई, और ये दोनों उड़ गए, बच गया एक ए भी उड़ गया, के लैम्डा ए कॉस, ये कॉस तो उड़ गया, डी फाई उड़ गया। फिर से बताऊं, ये डी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू को लिखे लैम्डा डी एल अपॉन आर, यहाँ पे दो वेरिएबल है लेंथ और आर, सारे को हम फाई के टर्म में लाना चाहते हैं, पहले आर को लाने की कोशिश किए, क्या देखे कि कॉस फाई ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एल भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर रखे, यहाँ से आर निकाल लिए, आर का यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, ये के लैम्डा डी एल अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ गया। अब क्या समस्या है, डी एल को कैसे लेके आए, तो डी एल के लिए हमने क्या देखा भाई, एल और ये कॉन्स्टेंट वाला एक रखेंगे, टैन फाई इक्वल टू एल अपॉन ए, टैन फाई इक्वल टू एल अपॉन ए, व्हाट इज एल, एल इक्वल टू ए टैन फाई, चाहिए क्या डीएल, डीएल का नंबर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएट किए, ए टैन फाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई होता है, सारे वैल्यू को यहाँ पुट करके निकाल लिए, तो यहाँ पर डी लिख लेते हैं साइड में, डी क्या वैल्यू आ गया, के लैम्डा अपॉन ए डी फाई, यहाँ एक लिख देना ठीक से, के लैम्डा अपॉन ए डी फाई, के लैम्डा अपॉन ए डी फाई, के लैम्डा अपॉन ए डी फाई,
हो गया, लिख लिए। अब चले ई परपेंडिकुलर निकाल लेते, डी अब तो निकल गया, वहां को पहले को पुट करें, तो अपना हो गया ex इक्वल टू ex या ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया DE cos phi। What is DE? DE क्या गया है? K lambda upon A D phi cos phi। D phi cos phi। ठीक है बेटे? क्लियर? अब यहाँ phi कहाँ से कहाँ बैलेंस कर रहा है? ये देखो ध्यान से। ये उल्टा डायरेक्शन में माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, तो माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू। लिमिट क्या हो गया? माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू, माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू। यही चीजें समझना था यहाँ पर। चलो इतना लिखो पहले, ठीक है। आप कांस्टेंट के है, ए है, लैम्डा है, सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। के लैम्डा अपॉन ए माइनस थीटा वन टू थीटा टू कॉस फाइव डी फाइव, कॉस फाइव डी फाइव। अब साइन थीटा का कॉस थीटा का साइन थीटा, तो के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा लिमिट माइनस थीटा वन से थीटा टू, माइनस थीटा वन से थीटा टू। अब उसको क्या लिखेंगे हम लोग? के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा टू माइनस साइन माइनस थीटा वन, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो फॉर्मूला क्या आ गया अपना? के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। इसको याद रखने का है, याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहां पर ई परपेंडिकुलर क्या आ गया अपना? के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। इसको भी नोटबुक में हो फॉर्मूला लिस्ट में डालना चाहे। ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये ध्यान याद रखना जरूरी है, थीटा वन नीचे वाले को लिए हैं, थीटा टू ऊपर वाले को। हो गया बेटे? बढ़े आगे। तो ये तो अभी ई एक्स निकला है, यानी परपेंडिकुलर। ई वाई भी तो निकालना पड़ेगा, तो जैसे सारा मटेरियल तैयार है, ज्यादा खाली इंटीग्रेशन करना है। सारा चीज तैयार है, थोड़ा सा मेडिकल वालों के लिए दिक्कत होता है मैथ का, आई नो वेरी वेल, लेकिन इतना तो कस जाना पड़ेगा, बेसिक थोड़ा तो जरूरी। इसकी तभी तो फिजिक्स को क्यों माना जाएगा, मेडिकल वाले के लिए फिजिक्स, मेडिकल वाले का सिलेक्शन फिजिक्स पे ही डिपेंड करता है। फिजिक्स ही उनको नैया डुबाता है, नैया को पार करता है। रीजन एक ही कारण है, मैथमेटिक्स नहीं रहने के कारण। लेकिन है कि इतना काम पर बेसिक करते करते पढ़ाते पढ़ाते वो कॉमन फील्ड में आ जाते हैं, उतना मेहनत करना पड़ेगा। मोस्टली देखिएगा जिसकी भी रिजेक्शन होती है ओनली बिकॉज ऑफ फिजिक्स। फिर अच्छा स्कोर करना है तो केमिस्ट्री को बूस्टअप कीजिए, बायो को बूस्टअप कीजिए, लेकिन फिजिक्स एक कट ऑफ लाइन से 110 से ऊपर जाना जरूरी है। मैक्सिमम का जो भी लाइन से बाहर जाते हैं फिजिक्स के कारण ही जाते हैं। सेम चीज़ उधर भी है, आईटी में भी है। फिजिक्स ही एक सब्जेक्ट है जो एंट्री कराता है, क्योंकि केमिस्ट्री मैथ्स वहाँ भी क्या है, एक सिचुएशन लेवल पर बच्चा आ जाता है, तैयारी करते करते उस सिचुएशन लेवल आए, उससे ऊपर नहीं जाएगा। केमिस्ट्री दोनों जगह के लिए बूस्टअप है, यदि अच्छा स्कोर करना है दोनों पार्ट के लिए, जेई के लिए भी और नेट के लिए। और फिजिक्स जो है इन आउट कराने वाला सब्जेक्ट है दोनों के लिए।
तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इतना रखना है कि कट ऑफ लाइन से भाई ऊपर जाए हम लोग। चले आ जाए इस भाई के लिए, ईवाई के लिए, ईवाई क्या है मेरा बेटे, या ई परपेंडिकुलर डी ई साइन फाइव, डी हम लोग निकाल चुके हैं, सिर्फ पुट करें इसको के लैम्डा अपॉन ए डी फाइव साइन फाइव, लिमिट अगेन फिर माइनस थीटा वन से थीटा टू, माइनस थीटा वन से थीटा टू, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, शेप ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ रह गया है, डी फाइव लिमिट माइनस थीटा वन से थीटा टू, माइनस थीटा वन से थीटा टू। अब देखो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, यूज कर लो के लैम्डा अपॉन ए माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन टू थीटा टू, माइनस को बाहर निकाल लो बेटे, के लैम्डा अपॉन ए और कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन माइनस सॉरी ऊपर क्या है थीटा टू है ना, कॉस थीटा टू कॉस थीटा वन, देख लेना कहीं कैलकुलेशन लिमिट पुट करने में, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस फाइव, ठीक है थीटा माइनस थीटा वन से थीटा टू, कॉस माइनस थीटा वन टू दिस मच, एक मिनट तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे बेटे, हाँ ई परपेंडिकुलर पैरेलल निकाल ही चुके हैं, के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, माइनस को अंदर कर लेते हैं, क्या आ गया अपना के लैम्डा ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, सही है ना, माइनस अंदर गया माइनस टू, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अपना क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये दोनों फॉर्मूले को फॉर्मूला कॉपी बुक में लिख लेने का, याद करना ज़्यादा मुश्किल है, देखो थीटा वन थीटा टू सीक्वेंस में है, यहाँ भी थीटा वन थीटा टू सीक्वेंस में है, के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, बस ठीक है। अब देखो इसका कितना ही, तो हम लोग क्या, ये कोई भी रॉड दिया हुआ है, कोई भी रॉड दिया हुआ है ठीक है, और किसी डिस्टेंस पर डी डिस्टेंस या ए डिस्टेंस पे कहता फाइंड डी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यही इन्फिनाइट रॉड है, अब फॉर्मूला तो डेवलप हो गया, इसका डिफरेंट डिफरेंट केस देखें, ये सेम फॉर्मूला फिर हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे सेम डेरिवेशन सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला वहां भी यूज कर रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के निकालने का ये फॉर्मूला वहां पर इतना कारगर है कि 70% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। अब इसी को मान लो केस वन, इनफिनाइट रॉड दे दिया, यानी ये रॉड इनफिनाइट है, इधर भी बढ़ते जा रहा है इधर भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर बेटे, जैसे ये रॉड मैं ऊपर की तरफ बढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो थीटा टू लिया हूं मैं यहां से, क्या होगा, ये रॉड यहां बढ़ा थीटा टू बढ़ गया, यहां गया थीटा टू फिर बढ़ा, फिर ये इसी तरह से जब इन्फिनाइट होगा तो थीटा टू ये देखो बढ़ते जा रहा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा टू का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली निगेटिव साइड में भी इन्फिनाइट यदि होगा तो थीटा वन का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब इफ द रॉड इज इन्फिनाइट, इफ रॉड इज इन्फिनाइट
यदि रॉड इनफिनाइट रहता है तो कहता है फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये एक डिस्टेंस पर निकालना है, तो पहले देखें ई परपेंडिकुलर क्या होगा, क्या है अपना फॉर्मूला, के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन पाई बाई थीटा वन थीटा टू क्या हो गया इसके लिए, ये पाई बाई टू थीटा टू क्या हो गया पाई बाई टू, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाएगा ये बढ़ते बढ़ते इनफिनाइट होगा 90 डिग्री, इसको पुट कर दे यहाँ पर, के लैम्डा अपॉन ए वन प्लस वन टू के लैम्डा अपॉन ए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, कोई इनफिनाइट रॉड है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टू के लैम्डा अपॉन ए, टू के लैम्डा अपॉन ए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इन्फिनाइट रॉड है या नेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इन्फिनाइट रॉड है तो इन्फिनाइट रॉड पे क्या देखें, परपेंडिकुलर फील्ड कितना रहा है टू के लैम्डा अपॉन ए, पैरेलल देखें पैरेलल होगा कि नहीं, पहले इसको लिख लो इतना बेटे, तो इनफिनाइट रॉड के केस में परपेंडिकुलर फील्ड क्या आ गया टू के लैम्डा अपॉन ए, टू के लैम्डा, पैरेलल के क्या सिचुएशन हो रहा होगा कि नहीं ये भी चेक करना है, क्या फॉर्मूला है, के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, थीटा वन थीटा टू पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो, तो जब इनफिनाइट रॉड होगा तो कोई भी यानी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो होगा, क्या वैल्यू आया जीरो, तो जब इनफिनाइट रॉड होगा तो सिर्फ कौन सा फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली परपेंडिकुलर, नोट पॉइंट नोट इसमें क्या हो गया, इनफिनाइट रॉड के लिए ओनली परपेंडिकुलर फील्ड एग्जिस्ट, ओनली परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर एग्जिस्ट, कोई भी पैरेलल फील्ड नहीं रहेगा, कोई भी पैरेलल फील्ड नहीं रहेगा, और वैल्यू क्या होगा टू के लैम्डा अपॉन ए, 2k lambda upon a, 2k lambda upon a, टू के लैम्डा अपॉन, नो कोई भी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो आज का ये सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कल की एक करेंगे जो कि ओनली बोर्ड एग्जाम में, वो भी 70-80% क्वेश्चंस आता ही है, डेरिवेशन क्या है, कोई भी रिंग है, ये जैसे रिंग है, रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस, रिंग के कारण निकाले ना, सेंटर पर भी निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी रिंग है सेंटर पर हम लोग निकाले, क्या आया था अपना 2k lambda अपॉन अपॉन r अपॉन r साइन अल्फा बाई टू, तो हम लोग क्या देखे थे किसी भी पार्ट सेंटर पर निकाले थे, अब सेंटर नहीं, ये सर्कुलर पोर्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर, यानी इस एक्सिस पर निकालेंगे डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डेरिवेशन आता है बोर्ड में 80% 90% चांस है आने का, यदि इस साल नहीं आया होगा तो अगले साल 200%, इस साल यदि नहीं होगा, क्या है कोई भी सर्किल रिंग है, रिंग के कारण रिंग के सेंटर के परपेंडिकुलर, यानी यही हो गया, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको कल हम लोग करेंगे बेटे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टाइम लेगा 40 मिनट्स कम से कम, ठीक है, तो आज जाके सारे को एक बार सारे को अपने से खुद से करना है, जो जो फॉर्मूला बोला हूँ उसको फॉर्मूला लिस्ट में डालते जाने का, ठीक है बेटे, यहीं पर रहने देते हैं।